नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं, यह 10:30 बजे का नज़ारा है। आप देख रहे होंगे जो कि पीछे गंगा नदी में बहुत से लोग हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराणसी के मुंशी घाट पर, ठीक है। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना मुंशी घाट से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट तक के नज़ारे। आखिर देखा जाए तो गंगा का जल स्तर कितना कम हुआ, क्या देव दीपावली मनेगा या नहीं मनेगा, मैं पूरा अपडेट मैं दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए मेरे चैनल पे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे जो कि ये है मुंशी घाट, और मुंशी घाट से ही सटा हुआ है रानी अहिल्याबाई घाट। ये देख रहे हैं, यह सुबह का नज़ारा है। बहुत से लोग हैं जो कि बाहर के लोग आए हुए अपने वाराणसी में गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं। और वैसे दिखाया जाए, यह जो रास्ता है यह मुंशी घाट होते हुए, यानी कि अब दिखाया है तो गंगा का जल स्तर इतना कम हो चुका है कि यानी कि एक घाट से आप 84 घाट भी आसानी से, पैदल आपको घूमना है तो पैदल भी घूम सकते हैं, और नाव से घूमना है तो नाव से भी आप घूम सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो कि नाव का संचालन शुरू हो चुका है, और अपने काशी में साइबेरियन पक्षी का भी आवागमन हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये देख रहे हैं, ये दिखाया तो जब धीरे धीरे हल्का हल्का ठंड शुरू हो जाता है तो अपने काशी में साइबेरियन पक्षी जो कि 1000 किलोमीटर से उड़ते हुए अपने काशी में आते हैं। और देव दीपावली भी दिखाया तो मात्र 2 से 3 दिन बचा हुआ है, और जिसकी वजह से देख रहे होंगे जो कि काशी में बहुत से दूर दराज से लोग आए हैं अपने काशी में घूमने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नाव का संचालन और साइबेरियन पक्षी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है अहिल्याबाई घाट, जो कि बहुत लोग हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों, पहले जो पानी, जब गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ, तो यानी कि ये जो रास्ता देख रहे हैं ये मेन रास्ता है, यानी कि इस रास्ते से होते हुए आप अन्य दूसरे घाटों पर भी जा सकते थे, लेकिन अब देखा है तो फिर से गंगा का जल स्तर कम हुआ। लगातार 24 घंटा सफाई अभियान चला, जिसकी वजह से देख रहे होंगे जो कि मिट्टी बालू का जो ढेर था वह खत्म हो चुका है। तो चलिए, इस साइड से हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आगे से भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, जिस घाट के बारे में बात कर रहा था, ये अहिल्याबाई घाट है, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। आगे जाने के बाद अहिल्याबाई घाट से सटा हुआ है शीतला घाट, जो कि शीतला घाट पर ही स्थित है शीतला जी का मंदिर। और दोस्तों, देव दीपावली के बारे में बात किया है तो इस बार काफ़ी ज़बरदस्त देव दीपावली अपने काशी में मनने वाला है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये शीतला घाट है, और जब गंगा का जो जल स्तर बढ़ा हुआ था, अभी भी देखेंगे तो उसका कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको मालूम चल जाए कि आखिर गंगा का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ था। ये देख रहे हैं, ये पूरा मिट्टी पूरा लगा हुआ है दीवारों पर, हालांकि ये रेड कलर का रहता है, लेकिन ये देख रहे हैं पूरा मिट्टी लगा हुआ है, मिट्टी पूरा। ये देख रहे हैं सामने जो बोर्ड गया है, ये बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे जो कि मटमैले कलर का है, और ऊपर जो है पूरा रेड कलर का है, यानी कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि ये ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा बाढ़ आया हुआ था। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं दशाश्वमेध घाट। ये जो एरिया है ये पूरा दशाश्वमेध घाट है, कुछ चहल बहल कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे अपने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। और सामने ही देखेंगे तो वहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और सीढ़ी के माध्यम से आप चले जाएंगे दशाश्वमेध सब्जी मार्केट होते हुए गदौलिया के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हैं कुछ महिलाएं जो कि पूजा कर रही हैं। और शीतला जी मंदिर जाने के लिए देखिए उस साइड से सीढ़ी के माध्यम से आप चले जाएंगे।
यहाँ पर फूल मालाएं चुनरी नारियल आपको मिल जाएगा। और फिलहाल दिखाया तो इस रास्ते से सीधे आप चले जाएंगे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट और काशी विश्वनाथ धाम के लिए भी इस रास्ते से अब जाया जा सकता है। तो फिलहाल दिखाया तो अभी भी कई सारे ऐसे जगह हैं, लगातार सफाई अभियान चल रहा है, क्योंकि दिखाया तो बहुत कम ही दिन रह गया है अपने काशी का महापर्व देव दीपावली। काफ़ी दूर दराज से लोग, यहाँ तक कि दिखाया तो विदेशों से भी लोग आते हैं अपने काशी में देव दीपावली देखने के लिए। यहाँ पर देखिए एक मंदिर था, श्री सूल टंकेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि फिलहाल अभी भी दिखाया है तो मिट्टी बालू के ढेर में पूरा समाया हुआ है। ये देख रहे हैं पूरा मिट्टी का ढेर। तो उसी प्रकार दिखाया तो यानी कि अभी भी कुछ ऐसे मंदिरें हैं जो कि अभी भी पटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर था, ये देखिए सती माता जी का मंदिर है, ये भी देख रहे हैं पूरा मिट्टी बालू में अभी भी यह दबा हुआ है। और ये देखिए पानी के प्रेशर से घाट के नीचे वाले हिस्से को साफ किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसा ही एक महादेव जी का मंदिर है जो कि फिलहाल यह भी देखिए थोड़ा गड्ढे में होने की वजह से ये देख रहे हैं। तो यह भी अभी दबा हुआ है, हालांकि यह पानी के प्रेशर से साफ नहीं हो पाएगा, इसे निकालना होगा मिट्टी को। ये देखिए ये जो एरिया है ये भी दशाश्वमेध घाट है, इस घाट से भी आप चले जाएंगे दशाश्वमेध भवन के लिए, और यही जो रास्ता है ये सीधे चला जाएगा गोदौलिया के लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, और सबसे खूबसूरत चीज़ आप देखेंगे तो वहाँ पर देखिए ऊपर आप देख पा रहे होंगे जो कि ऊपर मंजिल पे देखेंगे तो पूरा एक रथ बना हुआ है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर एक डिस्प्ले भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, ये देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यह नज़ारा है अपने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। और देखेंगे तो दशाश्वमेध घाट पर चारों तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा भी नजर आएगा, यानी कुछ गलत एक्टिविटी कोई ना कर सके तो इसका भी चारों तरफ से पूरा देखा ताका जाता है। ये देखिए मेरा पिछला अगर वीडियो देखे होंगे तो गंगा का जलस्तर वहाँ तक था, यानी कि उस साइड से इस साइड नहीं जाया जा सकता, लेकिन आप देख रहे हैं आसानी से आप नीचे के माध्यम से आप जा सकते हैं। और इस साइड देखिए चेंजिंग रूम बनाया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। तो फिलहाल ये टेम्परेरी बनाने से काम नहीं चलेगा। और पहले देखिए ये भी नहीं दिखता था, यानी कि जो चौतरा टाइप का है यह भी पूरा बाढ़ में डूबा हुआ था, लेकिन लगातार गंगा का जलस्तर कम हुआ। हालांकि देखा है तो पहले नीचे से भी जाने का एक रास्ता था, लेकिन अभी भी यानी कि गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, नीचे की सीढ़ियाँ भी पूरा दिखती थी, यानी कि इस साइड से भी आप नीचे जा सकते थे। और यहाँ पर देखिए एक ये देख रहे हैं ये हमारे बनारसियों का हाल, पान खाकर सिर्फ थूक दिए हैं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार, और ये एक तरह से देखा है तो ये चेंजिंग रूम है, हालांकि टेम्परेरी ही बना हुआ है। और ये देखिए ये पूरा NDRF की नावें हैं। ठीक है दोस्तों, और बात किया है तो यानी कि अब इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं।
कॉरिडोर के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।